देखे तुम्हें तो लपेटी हूँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोगेंद्र कुमार निषाद है। और अजगर आप कहाँ पर देखे थे? अजगर है वो जो हमारा मोहल्ला जफराबाद, हम लोग नगर पंचायत जफराबाद के निवासी, नाव घाट क्षेत्र में हमारा गांव है और गांव से पूरब साइड में शमशान घाट है। शमशान घाट के उस पार जो है कुछ औरतें हमारे गांव से लकड़ी वकड़ी लेने के लिए गई थी, आज दो दिन पहले की बात है। उन्होंने देखा और आवाज लगा तो वहीं पे हम अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे, हम लोग नाले के उस पार गए जब तक अजगर पानी में डूब गया था और हम लोग वहाँ मालमात किया तो वहाँ उस पार के कुछ जो है पाल लोग थे, उन्होंने कहा कि दो बकरी का बच्चा है, चार छह दिन पहले वहां चराते हुए जंगल में नाला वगैरह वहां पर उनको निकल उकल गया था, तो सब सोचते थे बच्चा क्या हो गया। तो किसी तरह दो दिन हम लोग देखे, उसकी देख रेख में थे, दिखाई नहीं दिया। कल संयोग से हम घूमते अपने खेत की तरफ गए तो वहां हमारे गाँव का एक मुकेश निषाद नाम का बच्चा, जो हमारे ही पड़ोस के भाई का बच्चा है, उसने नहा रहा था, उसके बगल से अजगर निकला और वो नदी किनारे से भाग के ऊपर आ गया पानी में से, और तब तक हम पहुंचे एक साथी के साथ, उसे कहा बड़े पापा यहाँ पे अजगर दिखाई दिया, फिर हमने उससे कहा फोन करो तो कुछ बच्चे गांव के जैसे मोनू निषाद, गोलू, महेश निषाद, ये तीनों आए, नाव लेके आए हम लोग और एक लंगर है जाल द्वारा उसको जो है कि थोड़ी थोड़ी उसके मुंह दिखाई देता था नदी के किनारे, फिर हम लोगों ने व्यवस्था अपना जुगाड़ लगा के उसको पकड़ा, जब ऊपर आया तो छूट गया, फिर पूछ पकड़े के खींचा गया, 10 फीट के आसपास लंबा, 35 किलोग्राम का वजन का जो अजगर था, उसके बाद किसी तरह हम लोगों ने उसको पकड़ उगड़ के ऊपर लाए और उसको जाल द्वारा ढक के रखे। उसके बाद हमने अपने चौकी पे दीवान जी को फोन किया, दीवान जी आया और देखे, फिर उनसे हमने बनिघाट के लोगों का नंबर वगैरह लिया और बनिघाट के लोगों से बात हुई, वो लोग त्रिलोचन में थे, फिर 1.5 घंटे हमने उसको अपने पास रखा, लोगों की भीड़ लग गई, खतरनाक टाइप का अजगर था। उसके बाद जो हमने वन विभाग वाले आए उसको बोरी वोरी में भरवाए, उनके साथ भरवा रहे, हमने उनको दे दिया अपना, ले जाके किसी जगह उसको छोड़ छाड़ दिए, हमने सपोर्ट कर दिया वन विभाग को। यही था अजगर, वो हमारे ही समाज के लोगों को खतरा कर सकता था क्योंकि हमारे समाज के लोग पानी में टहल रहा था, हमारे समाज के लोग नदी में मछलियां मारते हैं, हमारे गाँव के बच्चे नदी किनारे घूमते खेलते हैं, तो थोड़ा दिक्कत थी उससे हम लोगों को, उससे किसी न किसी में कोई घटना घट जाती, इसलिए हम उसके खोज में थे और संजय से मिले, उसको हम लोग पकड़ के बनवा के सपोर्ट कर दिया।